स्टॉक जीनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं HCL टेक के बारे में। यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, क्या होंगे टारगेट्स एंड क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चले 28 अप्रैल के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के 15 मिनट्स चार्ट की। देखिए, जैसे ही स्टॉक ओपन होता है गैप डाउन ओपनिंग, लगातार गिरावट और 1082 पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। डेली चार्ट बेसिस पर भी लगातार गिरावट है। बात करें सपोर्ट की तो देखिए, नीचे की तरफ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 1059 रुपये का लेकर चल सकते हैं अगर गिरावट जारी रहती है और इस सपोर्ट को भी स्टॉक ब्रेक कर देता है तो देखिए 1050 रुपये की तरफ गिरावट हमें HCL टेक में देखने को मिल सकती है। बात करें टारगेट्स की, देखिए यहाँ से अगर बाउंस बैक स्टॉक दिखाता है ऊपर की तरफ तो जल्द ही नेक्स्ट टारगेट स्टॉक अचीव करेगा 1125-1130 का टारगेट, तो ऊपर की तरफ 1125-1130 का टारगेट लेकर चल सकते हैं HCL टेक में। तो ये होने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। बात करें यहाँ पर बाइंग करें या नहीं, तो देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल है 1117 रुपये का, एक रेजिस्टेंस लेवल लेकर चल सकते हैं जब तक स्टॉक इसको ब्रेक ना करे। कोई भी ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला, तो इसके निचले स्तर पर अगर स्टॉक रहता है तो यहाँ पर वेट एंड वॉच की ही स्ट्रेटजी आपको अपना कर चलनी पड़ेगी। तो यही स्ट्रेटजी अपनाएं, आप चाहें तो अपनी खुद की एनालिसिस, खुद की रिसर्च ज़रूर करके चल सकते हैं। सपोर्ट्स का ध्यान दें दोस्तों, स्टॉप लॉसेस लगाकर काम करें, यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।